अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाह रहे हैं, अगर आप ICSI के साथ रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी ट्रेनिंग, एंड फाइनली जो है कितना टाइम लगता है आपके एक CS बनने में, और CS बनने के बाद जो है आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितनी सैलरी होती है, क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। So in this video we are going to do complete analysis from registration to become a company secretary. This process will be completed in this video, or we are going to do some series as well if we talk about June 2025 exam. So hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. कैसे आप सभी? I hope जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे. So June 2025 की exam की कंप्लीट डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, CS करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको दो प्रोग्राम पास आउट करने होते हैं. फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है CS एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. जब ये पास आउट कर लेते हैं उसके बाद आपको CS प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन करके CS प्रोफेशनल कंप्लीट कर लेनी है. CS प्रोफेशनल कंप्लीट होने के बाद जो है आपको अपना जो ट्रेनिंग है 21 मंथ्स और भी ट्रेनिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ACS, ठीक है. एंड देन वंस यू अलॉटेड ACS नंबर देन यू कैन वर्क एज प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो है CS एग्जीक्यूटिव को हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं. CS एग्जीक्यूटिव में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप CS EET ये आपने अगर क्लियर किया हुआ है सो आप एलिजिबल हैं CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए. अगेन CS EET एक एंट्रेंस एग्जाम होता है. अगर केवल आपने 12 पास आउट किया हुआ है, आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, सो आपको CS EET केवल क्लियर करना पड़ेगा. एंड CS EET क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. CS EET के अलावा जो है आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, सो यस यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर डायरेक्टली इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. Another criteria are if you have completed your ICAI final pass out or if you have completed your ICMAI final pass out. So in criteria के अलावा जो है अगर आप CS foundation company secretary का पहले foundation program हुआ करता था CS EET के पहले, अगर आपने CS foundation pass out किया हुआ है, अगर आपकी जो registration है वो valid है, so आप foundation के base पे भी CS executive में registration कर सकते हैं. So these are some criteria in through which you can register in CS executive program. So अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. जून 2025 के सभी बच्चों के लिए हम कंप्लीट सीरीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं. आपको सभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हर वीडियो में आपको मिलेगा कि CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट चेंज हुआ है. आपको वो पहले देखना है, समझना है, एंड तक देखना है, एंड देन यू शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.